खेत से ट्रैक्टर निकालने की बात को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, मौके पर एक की मौत। घटना ग्राम पंचायत रतोदन की है, जहां दो पक्षों के बीच में खेत से ट्रैक्टर निकालने की बात को लेकर झगड़ा हो गया। एक पक्ष के लोगों ने डंडे व लाठी से हमला कर दिया, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वह दूसरा घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए बड़ौदा अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से नाराज होकर लोगों ने बड़ौदा थाने में घेराव कर लिया। फरियादों की मांग मानने के बाद हंगामा शांत हुआ। शोपुर से जमुना प्रसाद उपाध्याय की रिपोर्ट। ग्राम रतोदन थाना बड़ौदा अंतर्गत आता है, जिसमें एक राम सिंह गुर्जर की हत्या किए जाने का मामला आया है, जिसमें थाना बड़ौदा में कल दिनांक 25 को प्रकरण दर्ज किया था। इस संबंध में आज मृतक के परिजनों के द्वारा कुछ नाम बढ़ाए जाने को लेकर और FIR में तथ्यों को लेकर एक ज्ञापन और आवेदन पत्र दिया गया है, जिसके संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी। मैं इंद्र गुर्जर रतोदन के, क्या मामला हुआ? मामला ये है भाई, मैं खेत में बाव देखने गया, जो मेरे को खच्चे खच्चे मिले अभी बरसात हुई दो चार दिन पहले, जो उसमें ये JCB ले गए ट्रैक्टर निकलाने के लिए, जो खच्चे खच्चे कर दिए उसी में। जो मेरे आंसू मुसलमान से ये बोला मैंने, मेरे को यार उसमें तेने मेरे खेत में ज़्यादा गड्ढे कर दिए, उनको ट्रैक्टर से मतलब अखवा देना। जे आंसू ने तो मेरे को पकड़ लिया और उसने मेरे पत्थर की मारी यहाँ पे, नीरज जाट ने मारा वहाँ पे। अच्छा। नीरज जाट ने मारा पत्थर का मासिक। तो ये तो कल रात का मामला है? हाँ, कल शाम का, पाँच छह बजे का मामला है। फिर वो वहाँ से निकल के पुलिस प्रशासन ने रिपोर्ट दर्ज की है। गलत रिपोर्ट। राम सिंह को किसने मारा? राम सिंह को नीरज ने मारा। जिसकी मृत्यु हुई है उसको किसने मारा? नीरज ने मारा। वो बैठे मतलब वो स्टम्प, पांच लोग थे ना उसके, दिए आंख पे दिए, यहाँ पे मृत्यु हो गई। बिरमानंद ने पकड़ा है। बिरमानंद, नीरज और विष्णु, अभिषेक और एक वो आशु, पांच आसामी ने मारा राम सिंह को। अब क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं न्याय मिलना चाहिए हमको। जब तक तुम्हें तो हम यही रहेंगे चौराहे पे। क्या नाम है आपका? मिथुन नाम मेरा। काय के लिए आए हो? क्या बात हुई? बात ये हुई थी कि पहले तो महेंद्र रोड पे जा रहा था, रोड पे वो ट्रैक्टर वाला मिला था, उनसे बोला। ट्रैक्टर वाला कौन है? वो आशु मिला था। आशु से बोला कि ट्रैक्टर तूने निकाला है तो खच्चे हुए, उसमें ट्रैक्टर चलवा के अखवा देना। उसमें आशु ने पकड़ लिया, ये महेंद्र को आशु ने पकड़ लिया, नीरज ने पत्थर की मारी। वहाँ से महेंद्र घर पे गया तो वहाँ से महेंद्र बोल खून निकल रहा था, तो इसका भाई राम सिंह आया, राम सिंह ने बचाया, तो उधर से बर्मानंद आया था, बर्मानंद ने हाथ पकड़ लिए और राम सिंह के नीरज ने लठ मारा। नीरज कौन है ये? नीरज जाट, ये रतोदन का रहने वाला है और बर्मानंद का लड़का है। बर्मानंद ने हाथ पकड़ लिया और नीरज ने लठ मारा, नीचे गिर गया। ये विवाद किस बात को लेकर हुआ? विवाद होया है कटर निकालने की बात पे, खेत में कटर निकालने की बात पे। इन्होंने बोला है कि खेत महेंद्र का, इन्होंने कोई पे गिर भी दत्ते पे रख रखा था, तो खच्चे हुए उसकी बात पे हुआ था। तो महेंद्र उसने बर्मानंद ने हाथ पकड़ लिए और नीरज ने लठ मारा, लठ मारने के बाद में राम सिंह गुजर नीचे गिर गया, नीचे गिरने के बाद में उसके ऊपर जूते चप्पल लेके चढ़ गए नीरज बर्मानंद, विष्णु भी दुकान पे से आके विष्णु ने भी मारी, विष्णु का लड़का घर से आया तो उसने भी मारी। कहने का मतलब इनमें पूरे गांव के अंदर किसी ने इनको बचाया भी नहीं। मैं वहां पे पहुंचने के बाद में इनको कोई बचा रहा नहीं था। मैं पहुँचते ही वो सब भग गए, भगने के बाद मैं इनको लेके आया यहाँ पे थाने आया। तो उसका क्या, वो मतलब उसकी मृत्यु हो गई या वो मर गया, जिसके पोस्टमार्टम हो गया? पोस्टमार्टम नहीं हुआ। अभी तक पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? पोस्टमार्टम इसलिए नहीं हुआ कि दो आदमियों के नाम रख दिए, पांच लोगों में से दो के नाम रखे, जो उठाई गिरे घर से बेदखल है, वो उनकी कोई नहीं है कि घर पे वो मरे चाहे जिए। तो अब क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं जो तीन लोग के नाम कटे उनके तीनों के नाम आए और उसके बावजूद 302 की कार्रवाई सख्त से सख्त।
कार्रवाई की जाए उनसे।